दृष्टि आई एस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख फिलीपींस इंक्स डील वर्थ 375 मिलियन डॉलर्स फ्रॉम मिसाइल्स तथा ऑर्डर फ्रॉम फिलीपींस इन द पाइपलाइन और द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर फिलीपींस टू बाय ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया फॉर थ्री मिलियन डॉलर्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं साथ ही ये आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र दो के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं जिसका विषय है भारत फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल डील और इसके मायने हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आई एस तो ये खबर चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से 375 मिलियन डॉलर का सौदा किया है इस डील पर फिलीपींस के रक्षा सचिव डेल्फिन एन लोरेंजाना और भारत के ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के महानिदेशक अतुल दिनकर राणे ने हस्ताक्षर किए हैं ये सौदा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटीशिप वेरियंट की आपूर्ति के लिए किया गया है इस सौदे के तहत फिलीपींस को तीन मिसाइल बैटरी की डिलीवरी और ऑपरेटरों व मेंटेनेंस करने वालों के लिए ट्रेनिंग की सुविधा के साथ साथ जरूरी इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सपोर्ट यानी आईएलएस पैकेज भी मुहैया कराया जाएगा इस डील के हस्ताक्षर समारोह के दौरान लॉरेंजाना ने कहा कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली हासिल करने वाला पहला विदेशी राष्ट्र होना एक सम्मान की बात है बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल का विकास भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है और ये सौदा इस मिसाइल का पहला निर्यात ऑर्डर है बहरहाल भारत फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल सौदा सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से बेहद खास है लिहाजा इस ऑडियो आर्टिकल में हम इससे जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे तो सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल के खास पहलुओं के बारे में जानेंगे फिर जानेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल सौदा फिलीपींस के लिए इतना खास क्यों है और भारत के लिए भी ये डील इतनी अहमियत क्यों रखती है ये सौदा भारत के रक्षा निर्यात को कैसे बढ़ावा देगा क्या इससे हिंद महासागर में भारत की स्थिति और दावेदारी को मजबूती मिलेगी साथ ही इस सौदे से भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके अलावा दक्षिण चीन सागर की राजनीति में इससे क्या बदलाव देखने को मिलेंगे और आखिर में ये चीन को प्रतिसंतुलित करने इत्यादि में कैसे इस कारगर साबित होगा तो आइए सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानते हैं दरअसल ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच है ये एक छोटी दूरी की रैमजेट संचालित सिंगल वॉरहेड सुपरसोनिक एंटीशिप या लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है इसका डिजाइन विकास और निर्माण ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है जिसका गठन भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया के द्वारा साझा तौर पर किया गया है इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदियों के नाम के संयोजन पर रखा गया है ये लंबे समय से भारतीय सैन्य बलों का हिस्सा है ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक यानी साउंड की गति से लगभग तीन गुना की अधिकतम गति से टारगेट को आसानी से भेज सकती है इस तरह के वेग से यात्रा करने का मतलब है कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का उपयोग करने वाली वायु रक्षा प्रणालियों के लिए ब्रह्मोस को रोक पाना मुश्किल होगा जबकि इसके लिए उन्नत चीनी जे ट्वेंटी फाइटर जेट जैसे लड़ाकू विमान जिनकी स्पीड दो मैक से कम है को टारगेट करना और बेअसर करना आसान होगा हालांकि अगले चरणों में मिसाइल की गति को बढ़ाकर पाँच मैक या उससे अधिक और सीमा को बढ़ाकर अधिकतम 1500 किलोमीटर करने के प्रयास चल रहे हैं जिससे ये हाइपरसोनिक गति का लक्ष्य प्राप्त कर सकेगी इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे सतह और समुद्र आधारित टारगेटों के खिलाफ जमीन समुद्र सबमरीन और हवा सभी जगहों से लॉन्च किया जा सकता है जहाज से ब्रह्मोस को सिंगल यूनिट या एक सैल्वो के रूप में लॉन्च किया जा सकता है एक साल्वो में आठ मिसाइल होते हैं जिसमें से हर एक को दो दशमलव पाँच सेकेंड के अंतराल पर लॉन्च किया जा सकता है यह सैल्वो आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों वाले युद्ध के समूह को नष्ट कर सकते हैं ब्रह्मोस की 2017 में बंगाल की खाड़ी में समुद्र आधारित लक्ष्य के खिलाफ भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन लड़ाकू विमान सुखोई थर्टी एम आई पहली बार सफलतापूर्वक हवाई टेस्टिंग की गई थी और तब से कई बार इसे सफलतापूर्वक टेस्ट किया जा चुका है अगर इसके पंडुब्बी लॉन्च संस्करण की बात करें तो इसमें पानी की सतह से लगभग 50 मीटर नीचे से लॉन्च होने की क्षमता है गौरतलब है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम का अनुसंधान और विकास उन्नीस के दशक के अंत में शुरू हुआ था बहरहाल भारत फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल करार न सिर्फ भारत के लिए बल्कि फिलीपींस के लिए भी खास है अब सवाल है कि ब्रह्मोस मिसाइल सौदा फिलीपींस के लिए इतना खास क्यों है तो सबसे अधिक ये सौदा फिलीपींस की रक्षा और संप्रभुता के लिहाज से खास है दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के तौर पर ब्रह्मोस मिसाइलें फिलीपींस की संप्रभुता और संप्रभु अधिकारों को कमजोर करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ खासकर पश्चिमी फिलीपींस सागर में प्रतिक्रिया देने में समर्थ हैं लिहाजा फिलीपींस को अपने क्षेत्र की अखंडता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए अपनी नौसेना को इस महत्वपूर्ण संपत्ति से लैस करना अनिवार्य है गौरतलब है कि फिलीपींस की सुरक्षा और संप्रभुता को सबसे अधिक खतरा पड़ोसी देश चीन से है चीन ने फिलीपींस के अधिकांश समुद्री क्षेत्र पर अपने अधिकार का दावा किया हुआ है हालांकि जुलाई 2016 में हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने एक ऐतिहासिक फैसले में दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर चीन के दावे को खारिज कर दिया था साथ में ये भी कहा था कि फिलीपींस के ई यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के भीतर चीन द्वारा अवैध रूप से मछली पकड़ने और कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करने जैसी गतिविधियां फिलीपींस के संप्रभु अधिकार का उल्लंघन है हालांकि इस फैसले को चीन ने मानने से इनकार कर दिया है ऐसे में चीन के साथ कोई भी रक्षा सौदा करना फिलीपींस के लिए व्यावहारिक नहीं होगा क्योंकि विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक व्यवहार ने फिलीपींस के साथ इसके संबंधों को कम कर दिया है ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दक्षिण चीन सागर ब्रह्मोस प्रणाली की तैनाती के संभावित क्षेत्रों में से एक होगा क्योंकि फिलीपींस का इरादा मरीन ब्रह्मोस का उपयोग तट आधारित एंटीशिप मिसाइल के रूप में करने का है इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निश्चित रूप से फिलीपींस नौसेना खासकर फिलीपींस मरीन कॉप्स कोस्टल डिफेंस रेजिमेंट की मारक क्षमता को बढ़ाएगी ये प्रणाली फिलीपींस को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर जवाबी हमला करने की क्षमता प्रदान करेगी दरअसल दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीपों को लेकर फिलीपींस और चीन के बीच तनाव पहले से बहुत अधिक है और पिछले नवंबर में फिलीपींस ने चीनी तटरक्षक बलों पर अपने नौसेना के कर्मियों को डराने और परेशान करने का आरोप भी लगाया था इंडो पैसिफिक भू राजनीति के लिहाज से भी ये फिलीपींस के लिए बहुत खास है इस डील इंडो पैसिफिक क्षेत्र में व्यापक और दूरगामी प्रभाव पैदा होंगे सबसे पहले तो ये चीन को सावधान करेगा और इसके आक्रामक रुख के लिए एक निवारक के तौर पर कार्य करेगा वाकई में यही कारण है कि चीन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के देशों को ब्रह्मोस जैसी रक्षा प्रणालियों को लेने से सावधान करता रहा है बता दें कि भारत ने फिलीपींस के साथ अपने सबसे बड़े रक्षा निर्यात अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं फिलीपींस के साथ भारत के संबंधों में पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रगति आई है साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपींस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे ये समझौता रक्षा सामग्री का उत्पादन विकास व खरीद और लॉजिस्टिक्स सेवाओं में समर्थन और सहयोग को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है फिर 2019 में फिलीपींस नौसेना ने भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान की नौसेनाओं के साथ दक्षिण चीन सागर के लिए एक समूह में भाग लिया आगे चलकर 2020 में गैर सैन्य व्हाइट शिपिंग सूचना यानी गैर सरकारी शिपिंग पोत सूचना साझा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे अब सवाल है कि आखिर भारत के लिए मिसाइल सौदा इतनी अहमियत क्यों रखता है तो ये करार भारत सरकार की जिम्मेदार रक्षा निर्यात की नीति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है फिलीपींस से सबक लेते हुए अन्य राष्ट्र जो चीनी खतरे का सामना कर रहे हैं ब्रह्मोस को अपनी सैन्य प्रणाली में शामिल करने के लिए आगे आ सकते हैं। इससे इस क्षेत्र इस में भारत की न सिर्फ आर्थिक प्रोफाइल को बल्कि हार्ड पावर प्रोफाइल को भी बढ़ावा मिलेगा साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फिलीपींस के रूप में भारत को एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदार भी प्राप्त होगा जिससे चीन को काउंटर करने में भारत को मदद मिलेगी इसके अलावा 2025 तक रक्षा निर्यात में 5 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को पूरा करने में इससे मदद मिलेगी दरअसल ब्रह्मोस की ये उन्नत और शक्तिशाली क्षमताएं न केवल भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाती हैं, बल्कि इसे अन्य देशों को खरीद के लिए भी एक अधिक विश्वसनीय उत्पाद बनाती है लिहाजा इस सिस्टम का निर्यात करना एक दशक से अधिक समय से भारत के एजेंडे में शामिल है ऐसा करने से रक्षा निर्यातक के तौर पर भारत की विश्वसनीयता बढ़ेगी और एक क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में इसका कद ऊंचा होगा इसके अलावा ये डील न सिर्फ भारत द्वारा बनाए गए मौजूदा रक्षा उत्पादों के लिए बल्कि आने वाले कई और रक्षा उत्पादों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करती है गौरतलब है कि वियतनाम इंडोनेशिया संयुक्त अरब अमीरात अर्जेंटीना ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी इस सिस्टम को प्राप्त करने में अपनी रुचि दिखा चुके हैं अगर भू रणनीतिक मोर्चे की बात करें तो ये सौदा भारत के इंडो में एक निर्णायक कदम साबित होगा क्योंकि ये करार इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करेगा साथ ही ये लोकतांत्रिक देशों के बीच संबंधों में न सिर्फ रणनीतिक साझेदारी के आयामों को जोड़ेगा बल्कि एक स्वतंत्र और शांतिपूर्ण हिंद प्रशांत के हमारे साझा उद्देश्य को हासिल करने के करीब भी ले जाएगा इसके अलावा ये भारत के राजनयिक संबंधों को भी बढ़ावा देगा क्योंकि इस सौदे से भारत खुद को उच्च प्रौद्योगिकी उपकरणों के स्रोत और मित्र राष्ट्रों की क्षमता विकास के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करेगा साथ ही भारत सरकार की रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने और खुद को एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता को हासिल करने में भी सहायक होगा आइए अब बात करते हैं निष्कर्ष की तो कुछ समय पहले भारत द्वारा विस्तारित 100 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत सात ध्रुव उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों और आठ डी ओ विमानों की खरीद के लिए फिलीपींस के तटरक्षक बल द्वारा रुचि दिखाई गई साथ ही थाईलैंड और वियतनाम ने इस हथियार प्रणाली पर भारतीय पक्ष के साथ चर्चा की है और कुछ साल पहले इंडोनेशियाई नौसेना की एक टीम ने अपने युद्धपोतों पर मिसाइल के फिट होने की संभावना का पता लगाने के लिए भारत का दौरा किया था ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस सौदे की सफलता से न सिर्फ 2025 तक रक्षा निर्यात में 5 बिलियन डॉलर के भारत के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी बल्कि एक क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में भी भारत का कद ऊंचा होगा आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत क्या है भारत फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल सौदा भारत के लिए कितना महत्व रखता है चर्चा कीजिए